मरियम ने घर में आते ही पहला सवाल अपनी अम्मी से किया। मरियम जो 8 साल की थी, एक छोटी सी बच्ची जिसके खेलने के दिन थे, पढ़ने के दिन थे। गुरबत ने उसे किसी अमीर घर में काम करने पर मजबूर कर दिया। पेट की खातिर यास्मीन ने भी अपनी 8 साल की बेटी को एक अमीर घर में काम पर लगा दिया। शोहर, जिसका नाम राशिद था, हर वक्त नशे में रहता। कभी कभी घर आता, वो भी जब नशा ख़त्म हो जाता तो पैसे मांगता। यास्मीन जो चूल्हे में लकड़ियों से आग जलाने की कोशिश में मसरूफ़ थी, उसने मरियम की तरफ देखा और बोली, क्यों, क्या हुआ? पहले घर आते ही ये सवार और सलाम तक भूल गई हो। छोड़ो इसको और बताओ, आज मालकिन ने पैसे नहीं दिए। नहीं माँ, वो मालकिन आज बहुत गुस्से में थी। कहने लगी, अभी कुछ दिन ही तो हुए हैं पैसे लिए थे। तुम और तुम्हारी माँ रोज़ रोज़ पैसे मांगने की आदत छोड़ दो। और कहती कि जैसे माँ भिखारन वैसी बेटी। और छोटी मालकिन कहती कि मामा ऐसे गदागरों को मुँह ना लगाया करें। इसीलिए पूछा था कि गदागर और भिखारन कौन होते हैं। यास्मीन सुनकर परेशान हो गई और मरियम को कहती, बेटा तुम इनकी बातों पर ध्यान ना दिया करो। भिखारन और गदागर किसी अच्छे इंसान को कहते होंगे। और आँखों में पानी भर आया। बेटी ने कहा, नहीं माँ, वो मालकिन बहुत गुस्से में ही बोल रही थी। माँ ने कहा, छोड़ो मरियम, बताओ खाना खा लिया था और ये हाथ में पकड़े हुए शापर में क्या है? बेटी ने कहा, माँ मैंने नहीं खाया था। जो मालकिन ने खाने को दिया, मैं वो शापर में डाल के ले आई हूँ। आपको भी भूख लगी होगी इसलिए। यास्मीन ने मरियम को गले लगाया और रोने लगी। मरियम ने माँ से उम्मीद से सवाल पूछा, माँ आप क्यों रो रही हैं? यास्मीन ने बात को टाल दिया और शापर से खाना प्लेट में निकाल कर मरियम को खिलाने लगी। बेटी ने पूछा, माँ अबू नहीं आए? माँ ने जवाब दिया, आए थे मगर उनको होश ही कहाँ है, एक बेटी और बीवी भी है। वही हमेशा की तरह पैसे मांग रहे थे। जब पैसे नहीं दिए तो यास्मीन ने बात को अधूरा छोड़ दिया, क्योंकि वह बेटी को नहीं बताना चाहती थी कि पैसों से इनकार पर बहुत मारा उसे। मरियम और यास्मीन खाना खा के सोने के लिए लेट गईं। मरियम अभी लेटी ही थी कि नींद ने उसे घेर लिया। यास्मीन मुस्कुराई और मरियम का माथा चूमा और खुद से बातें करने लगी, मुझे माफ़ कर देना बेटी, मैं अच्छी माँ नहीं, और रोने लगी। दिन भर पता नहीं मालकिन कितना काम कराती है। कल मरियम के साथ जाऊंगी। एक तो काम करती है और ऊपर से मेरी मासूम बच्ची को गदागर और भिखारन बुलाती है। अगर ऐसा कहा तो कहीं नौकरी से ना निकाल दें। अल्लाह पाक मदद कर, गुरबत हमारा कसूर है, कहा। यास्मीन ने सोचते सोचते आंखें बंद की और सो गई। अगली सुबह माँ ने मरियम से कहा, उठो जल्दी, मालकिन गुस्सा होगी, काम पर नहीं जाना। मरियम जल्दी से उठी और सर पर दुपट्टा लिया और कुछ खाए बगैर भाग गई। यास्मीन परेशान हो गई कि मरियम भूखी चली गई। इसी लम्हे मरियम की आवाज़ कानों में पड़ी, माँ मैं उधर से कुछ खा लूँगी, आप मेरी फिक्र न करें। मरियम जब मालकिन के घर पहुँची तो नाश्ते में मरियम को एक ज़ोरदार तमाचा खाने को मिला और मालकिन चिल्लाई, इतनी देर लगा दी आने में, पैसों के लिए हर वक्त भिखारियों की तरह मांगती हो, चलो जाके बर्तन धो जो रात की जमा है। इसीलिए तुम माँ बेटी पर तरस खा के तुमको काम पर रखा था, लगता है तुम्हारी छुट्टी करानी पड़ेगी। मरियम की ज़बान से कोई लफ्ज़ ना निकला और किचन में अपने अन्य हाथों से काम में मसरूफ़ हो गई। काम से फुर्सत के बाद मरियम ने छोटी मालकिन को बोला कि मुझे भूख लगी है। छोटी मालकिन ने मरियम की तरफ गुस्से से देखा और बोली, घर से खा के आया करो, तुम्हारे काम के पैसे देती हैं, जाके खाना बना के खाया करो। और कहा, आओ मेरे साथ किचन में। मरियम उसके पीछे चल पड़ी। छोटी मालकिन ने कहा, पकड़ो प्लेट और खाओ, प्लेट को अच्छी तरह धो के रखना। मरियम ने कहा, छोटी मालकिन मैं एक खाना घर ले जाऊं। छोटी मालकिन ने कहा, ले जाओ मगर सब काम ख़त्म करके जाना। मरियम खाने की तरफ देखकर मुस्कुराई और काम में लग गई। छोटी मालकिन की दोस्त, जिसका नाम शिफा था, वह सब कुछ देख रही थी। उसे बहुत तरस आया मगर खामोश रही। मरियम काम ख़त्म करने के बाद खाना लेकर घर की तरफ चल पड़ी। शिफा ने जब मरियम को जाते देखा तो उसने भी जल्दी से इजाज़त लेकर घर जाने का कहा। गेट से बाहर निकलते ही उसने इधर उधर जल्दी से मरियम को देखने के लिए नज़र दौड़ाई। उसकी नज़र मरियम पर पड़ गई, पास ही घर था। मरियम घर में दाखिल हुई और शिफा भी अपने घर चली गई। मरियम ने कहा, माँ देखो मैं आ गई और खाना भी लाए हूँ। माँ किधर हो? मरियम जो बोले जा रही थी, इतने में कमरे से उसके अब्बू निकले। मरियम ने झट से बोला, अब्बू माँ किधर हैं? बाप ने हिचकिचाते हुए कहा, वो अंदर हो गई। मरियम कमरे में गई और देखा माँ रो रही है, उसके बदन पर चोट के निशान देखे और भागते हुए कमरे के बाहर आई
और अब्बू से बोली, ये ले 50 रुपये, मेरी माँ को दोबारा न मारना। राशिद ने मरियम से वो 50 रुपये लिए और चला गया। मरियम फिर बाग के यास्मीन के पास गई। माँ उठो और चारपाई पर बैठो, देखो खाना लाई हूँ, और अब्बू को 50 रुपये भी दिए, वो अब आपको नहीं मारेंगे। छोटी सी नन्ही मरियम अपनी माँ को हौसला दे रही थी। यास्मीन ने मरियम को गले लगाया और कहा, चलो खाना खाते हैं। माँ बेटी खाना खाने लगी। बेटी ने कहा, माँ पता है आज छोटी मालकिन की दोस्त आई थी, उसने बहुत अच्छी चूड़ियाँ पहनी थी, अब जब मालकिन पैसे देगी तो मैं चूड़ियाँ लूँगी। मालकिन कह रही थी कुछ दिन बाद पैसे देगी। यास्मीन ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ठीक है। अगले दिन फिर मरियम काम पर जाने लगी तो उसने शिफा को आते देखा और रुक गई। शिफा ने पूछा, मरियम किधर जा रही हो? मरियम ने जवाब दिया, बाजी मालकिन के घर काम पर जा रही हूँ। ये सुनकर शिफा ने मरियम को बोला कि मुझे अपने घर नहीं लेके जाओगी? मरियम ने कहा, बाजी यही मेरा घर है, आप मेरी माँ से मिल लो, मैं अगर देर से गई तो मालकिन मारेंगी। शिफा ने आगे बढ़ के उसे अपने साथ प्यार से गले लगाया और कहा, कुछ नहीं कहती तुम्हारी मालकिन, आओ तुम। शिफा मरियम के घर गई, सब हालात के बारे में यास्मीन से बात की और मरियम को अपने साथ ले जाने को बोला। यास्मीन मान गई। फिर शिफा ने मरियम को अपने घर में ही रख लिया। शिफा मरियम के लिए बहुत सी चॉकलेट, कपड़े, चूड़ियाँ लेके आती थी। मरियम बहुत खुश थी। शिफा का घर भी मालकिन घर के पास था। मरियम अब रोज़ जाती काम करने। शिफा की बेटी के साथ खेलती और पढ़ती भी थी। जब आप घर में काम के लिए कोई लड़की रखती हैं तो आप अपनी बेटियों की तरह रखें, उनकी ज़रूरत का ख्याल रखें, क्योंकि किसी न किसी मजबूरी के तहत ही सब काम करते हैं। जो अपने मुलाजिम पर जुल्म करता है तो याद रखें कि अल्लाह उसका भी है।